मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप अपना ऑटोग्राफ अगर इस फोटोग्राफ पर दे दो तो मेरा हर मॉर्निंग और भी गुड हो जाएगा प्लीज लाइए अरे ये तो हमारी तस्वीर है ये क्या बदतमीजी है शर्म नहीं आती आपको छुप छुप कर हमारी तस्वीर खींच रहे हैं आप पकड़ना अरे एक तस्वीर पाड़ने से क्या होगा वहां तो आपकी तस्वीर की पूरी दुकान खोले बैठे हुए एक एक तस्वीर 100-100 सिंगापुर डॉलर में बेच रहे क्या जी हाँ तुम ये रुको देखिए देखिए देव और प्रिया की प्रेम कहानी अरे नहीं हो पे चाहिए चाहिए दो फोटोग्राफ करे थे पर एक फोटोग्राफ फ्री बिल्कुल फ्री देव और प्रिया की प्रेम कहानी की तस्वीरें मेरी और प्रिया की जितनी तस्वीरें बेची हो फौरन इसी वक्त वापस लेकर आओ वरना अमावस के चांद तुझ पर मैं परमानेंट ग्रहण लगा दूंगा और तू भी सुन ले दांत की दुकान मुझे मेरी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है लेकिन प्रिया बहुत ही अच्छी और नेक लड़की है उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ अगर प्रिया की जरा सी भी बदनामी हुई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा अब ये तस्वीरें यहाँ रखो और दफा हो जाओ यहाँ से देव किसी ने तुमसे कहा कि तुम गुस्से में बहुत अच्छे लगते हो अब वैसे भी अच्छे लगते हो देखो ये तस्वीर कितनी अच्छी है इसे मैं रख लूं तुम कमाल करती हो प्रिया कल तक तुम्हें मेरे साथ देखे जाने में इतराज था और आज तुम देव मैं तुम्हारे साथ देखी जाती हूँ तो बदनाम होती हूँ तुम्हारे साथ नहीं देखी जाती हूँ तो और बदनाम होती हूँ तो इससे अच्छा ना तुम्हारे साथ ही देखी जाऊँ है ना आप चले वो आपकी डार्लिंग दादी माँ से मिल लें दादाजी काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती प्रिया सच कहो देव थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगी हूँ मैं अब चले चलो आओ प्रिया दादी माँ दादी माँ दादी माँ तो मंदिर में है वाह ये जगह कितनी खूबसूरत है कितनी शांति कितना सुकून जैसे जैसे कोई सुंदर सपनों की दुनिया हो सपनों की दुनिया ही तो है ये मेरी दादी माँ और दादाजी की वो दोनों इस जगह पर अपना हनीमून मनाने आए थे और तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि एक छोटा सा घर बनाकर यहीं अपने जिंदगी के आखिरी साल गुजारेंगे साथ साथ 2 साल पहले दादाजी गुजर गए और तभी से दादी माँ इंतजार कर रही हैं उस दिन का जिस दिन वो भी दादी माँ दादी माँ मेरे बेटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कितने दिनों के बाद तुझे देखा है मैंने माय स्वीट लिटिल बेबी बॉयफ्रेंड माय स्वीट लिटिल ओल्ड गर्लफ्रेंड मैं कितनी खुश हूँ तुझे देखकर हाँ ये है मेरे होने वाली बहू नहीं नहीं दादी माँ ये वो नहीं है ये तो मेरी दोस्त है आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ आओ दादी माँ समा दादी माँ ये प्रिया है और प्रिया ये मेरी दादी माँ जीती रहो बेटी दादी माँ समझी कि तुम मेरी होने वाली दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी तुम बहुत सुंदर हो सुंदर तो आपकी ये जगह है दादी माँ जी चाहता सारी उम्र यहीं गुजार दूँ ऐसा नहीं कहते बेटी
बैठकर पुरानी यादों में खो जाने के लिए बहुत अच्छी है जगह, पर तुम्हें तो अभी अपनी यादें बनानी हैं। दादी माँ, आपका मंदिर बहुत सुंदर लगता है, मैं जाके देख सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, जरूर जाओ। और तुम देव, तुम्हें मंदिर गए कितने साल हो गए? दादी माँ, जाओ, मैं... भगवान तुम्हें खा नहीं जाएंगे। जाओ। कितनी मासूमियत, कितनी सादगी, ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, वो चुपचाप प्रार्थना करो। माजी फार्म से नारियल। ये सब छोड़ो, पता है कौन आया है? कौन आया माजी? देव बाबा आए हैं। हाँ, देखो देखो। अरे देव बाबा। हाय अजीनोमोटो। अरे कैसे हो भाई, कैसे बहुत हो? अच्छा, हाँ? बहुत अच्छा। और कैसे चल रहा है परिवार नियोजन? परिवार नियोजन नहीं देव बाबा, परिवार आयोजन कहिए। अच्छा, क्यों? हाँ। मैं बताती हूँ, यहाँ भी वही हिंदुस्तान वाली प्रॉब्लम। लड़की को माने लक्ष्मी, फिर भी लड़का ही लागे प्यारा। एक लड़के की खातिर पैदा कर दी लड़की 11। इस बार भी जुड़वा। अरे शाबाश। दादी माँ, मैं जरा इसके परिवार से मिलकर आता, तब तक आप लोग गपशप कीजिए। चलो जनम, चलो आओ। दादी माँ, ये पेंटिंग देव ने बनाई है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। ये पेंटिंग देते हुए देव ने मुझे कहानी ऐसे सुनाई थी कि जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा दादा। लाइए दादी माँ, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लाइए ना दादी माँ, मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? लाइए ना प्लीज। अच्छा बाबा, ये लो, बिगाड़ो मेरी आदत, लो। दादी माँ, एक बात कहूँ? मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि देव वेद पुराण शास्त्रों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है, पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहता था। नई नई भाषाएं सीखना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब तो शौक रहा है उसका। अच्छा, बचपन में अपनी हरकतों से, अपनी कला से सबका दिल बहलाया करता था। बस बेटा, मुश्किल सिर्फ यह है, उसका मन बड़ा चंचल है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, ना ही किसी एक चीज पर, ना ही किसी एक व्यक्ति पर। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की तलाश हो उसे, और जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना, मुझे बहुत डर लगता है एक दिन जिंदगी उससे हिसाब मांगेगी और देव चुका नहीं पाएगा। पर मेरा मन कहता है बेटी, अगर उसे कैसी लड़की मिल जाए ना, जो उसे सच्चा प्यार दे, सही रास्ता दिखाए, तो मेरा देव बदल सकता है, संभल सकता है ना? दादी माँ, आपकी ये पायल बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? एक दिन जरूर भिजवाऊंगी तुम्हें। नहीं दादी माँ, इसकी क्यों नहीं, मैंने तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया ना, तो थोड़ा सा प्यार जताने का मौका तुम नहीं दोगी मुझे? सॉरी दादी माँ, मुझसे गलती हो गई। लो देव आ गया, आओ बेटे आओ। आइए आइए, हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दादी माँ आपके बचपन के किस्से सुना रही थी। अच्छा, क्या कहा आपने दादी माँ? दादी माँ कह रही थी कि बचपन में आपकी मनमानी पूरी ना होने पर आप जमीन में लेट के रो रो के अपना मुंह लाल कर लेते थे। अच्छा, और तुमने क्या कहा? मैं कह रही थी
अब आप ऐसा नहीं करते। अब आपकी मनमानी पूरी ना होने पर सिर्फ आपके ईगो को ठेस पहुंचती है ना? ईगो को ठेस पहुंचती है? मतलब? अरे कुछ नहीं दादी माँ, इसे तो पहलियों में बात करने की आदत है। अब इसकी बात छोड़िए और ये लीजिए, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं बेटे, अब तोहफे कबूल करने की मेरी उम्र नहीं रही। इसे कबूल करके तो देखिए दादी माँ, जवानी फिर से लौट आएगी। अच्छा, तब तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा। देखे भाई। ये इसके दादाजी है। कितनी रौनक इनके चेहरे पर। ये तस्वीर बनाई कैसे तूने? चेहरा मन में था, कैनवस पर उतार दिया। मैंने कहा था ना, मेरा देव बहुत गुणी है। सच बता दादी माँ, कैसी लगी ये तस्वीर? देव बेटे, अगर तस्वीरें बोल सकती तो ये तस्वीर गाती। प्रिया, दादी माँ को कुछ देर दादाजी के साथ अकेला छोड़ देते हैं। चलो।